व्हाट्सएप करने वाली दोस्ती नहीं है, बाकायदा टच में रहने वाली जो दोस्ती होती है। तो हम लोग सब, मेरे दोस्त और हम सब साथ में थे स्कूल में, कुछ हद तक एक आध कॉलेज भी पहुंच चुके थे, लेकिन फिर सब चले गए रोजगारी की खोज में। वक्त अलग था तब, इंडिया में उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, सब चले गए अब्रॉड। तो तब मैंने उनके लिए गाना लिखा था, बट इट्स अबाउट फ्रेंडशिप, इट्स फॉर ऑल ऑफ यू, आपके वो सारे दोस्त जो अब यहाँ आपके साथ नहीं है लेकिन आपके दिल में हमेशा है। लेट्स रिमेंबर देम, आप चाहे तो उनको फोन कर लेना, कह देना दिस वन्स फॉर यू ब्रो। लैंग्वेज क्या है, जो भी हो, तन्हा दिल फॉर ऑल आवर फ्रेंड्स, हियर वी गो। सपने ली घर से हम चल दो, जाने ये राही अब ले जाएंगे कहाँ। मिट्टी की खुशबू आए पलकों पे, आंसू लाए पलकों पे, रह जाएगा यादों का छाया।
तो समझ को चलिए हम भी किसी जमाने में कॉलेज वाले जाया करते थे यार, ऐसी बात है ना। बस 25 साल हुए कॉलेज से निकल के, लेकिन चलिए कोई नहीं, आप सबके बीच में आ जाता हूँ फिर से, कॉलेज वाली जोश तो आ ही जाती है। लेकिन यार छत पर भी देख रहा हूँ, आसमान पर देख रहा हूँ, कहीं नजर नहीं आ रहा। शाम जो है ना वो संबंध में छुप गया, ऐसे ऐसे खूबसूरत चेहरे यहाँ आ गए हैं, बोला यहाँ तो मैं नहीं दिखाई दे सकता। चलिए फिर भी उनकी सिफारिश कर ही लेते हैं।
done it. Back to it. मेरे प्रकाशनिस को आप देख लीजिए, अब तक ढके हुए थे, बहुत कमाल के आर्टिस्ट हैं अनिल भट्ट, चाहे ढोलक हो, ढोल हो, ऑक्टोपैड हो, तुम्बा, कोंगा, सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं अंधेरे में, गुमनामी में, लेकिन अब आप उन्हें देख भी सकते हैं। थैंक यू सो मच। क्या है कि हमें अपने साथियों का भी थोड़ा सा खुद को ही ध्यान देना पड़ेगा ना, जैसे आप भी अपने दोस्तों के लिए भी करने के लिए तैयार। तो चलिए दोस्तों, देशबंधु नाम ही मुझे इतना पसंद है इस कॉलेज का। तो आज हमारे देश में जो माहौल है, हम सबको लगता होगा कि बस सारा अभी हम बस अपने सैनिकों को, हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को बस उकसाते रहेंगे, चार्ज करते रहेंगे कि करो 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 करो, आराम से हम घर पर बैठे रहेंगे। हमारी भी कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं। हाँ, तो एज गुड सिटीजन्स, एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, हमेशा औरों के बारे में सोचिएगा कि मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ उससे किसी और को नुकसान, तकलीफ तो नहीं पहुँच रहा है। ये थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। हा? और साथ साथ एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि जब हम सब साथ में है ना, इतनी अगर आप जो आँखों से आपको दिखाई देती है, आपके कानों से जो आपको सुनाई देती है, वो इस यंत्र में नहीं आपको मिलेगा। जितना भी पैनोरामा जूम कर ले आपके फोन्स पर, यू विल नॉट गेट द सेम इफेक्ट, द सेम विजुअल। सो एन्जॉय दिस लाइव मोमेंट। सारी जिंदगी आप सिर्फ फोन पर जी रहे हैं। जिस लवली यंग लेडी पहली बार फोन को नीचे रखी है, पूरा शो ऐसा कर रही है। पिछली बार मैं हॉस्पिटल गया था, आप यकीन मानिए ऐसे ऐसे बच्चे घूम रहे थे, बोलो क्या क्या कर रहा है, बोलो नहीं आजकल हाथ उसका उतरता ही नहीं, तो फिक्स हो गया। नहीं मतलब अबे कहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, कुछ कुछ एक देशभक्ति वाली बात हो जाए। इंतजार करते रहे कि बस रिपब्लिक डे हो या फिर इंडिपेंडेंस डे हो। लेट्स फील द प्राइड ऑफ बीइंग प्राउड इंडियन। और जो कुछ भी करे हमेशा देश के हित में करे, देश के लिए सोचे, अमन शांति के लिए सोचे। थैंक यू। चलिए
I'm gonna make it.